सावे हो लाला मोहे जय हो काहे को तरसावे काहे को तरसावे हो लाला मोहे काहे को तरसावे मेरे घर कब हुन आवे सावरिया मोहे काहे को तरसावे को तरसावे
तुकारी ओड़े कावरिया मोहे काहे को तरसावे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा Bye.
गौर परमानंदे हरि हरि बोल 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 संकीर्तन के जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय कुंती स्तुति की जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रमानंदे हरि हरि धर्मपुरा धाम की जय हरि धाम सभी लोग भक्तों का सम्मेलन है तो धाम ही है सभी लोग बैठ जाइए रामा है ना सभी लोग बैठ जाइए वास्तव में बैठ जाइए सभी लोग बैठ जाइए प्लीज बिल्कुल आवाज मत कीजिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वास्तव में ये धर्मपुरा धाम ही है क्योंकि नारद जी ने कहा है यद गायन्ति मद भक्त हरि बोल ए बाबू बैठ जाओ नारद जी ने बहुत सुंदर बात कही कि यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद हे नारद जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम रूप गुण लीला का गान करते हैं कीर्तन करते हैं मैं वहीं रहता हूँ और जहाँ भगवान रहते हैं वही धाम है तो वास्तव में धर्मपुरा धाम ही है जहाँ पर पिछले 6 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है नाचना गाना कथा सुनना प्रसाद खाना और मैं तो सोच रहा था प्रभु जी कि कौन कहता है कि कल इस कथा का विराम दिवस है अंतिम दिवस है ये तो कभी होता ही नहीं है अंतिम तो कभी है ही नहीं इसका एक परंपरा है 3 दिवसीय कीजिए 5 दिवसीय कीजिए या 7 दिवसीय कीजिए तो कल भी यहाँ पर कुछ विराम नहीं है केवल इतना ही है कि कल आने वाले लोगों को सभी लोगों को प्रसाद खिलाया जाएगा बाकी शाम का जो कार्यक्रम है मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि कल का कार्यक्रम कुछ अलग ही होगा लेकिन अभी तक उसको सीक्रेट रखा गया है और प्रभु जी रहेंगे तो कल शाम का भी लेक्चर प्रभु जी के ही द्वारा होगा लेकिन उस लेक्चर के साथ भी कुछ विशेष है अब उसको कल बताया जाएगा क्लियर होने के बाद लेकिन कल शाम का कार्यक्रम कुछ अद्भुत होगा जिसमें विशेष जो होगा अगर हमारे भगवान से भक्त आ गए तो बहुत सुंदर डांसिंग कीर्तन और अब कितना समय चले गए तो हम भी नहीं बता सकते हैं लेकिन होगा
बिल्कुल अद्भुत कल शाम में भी। प्रभु जी बहुत सुंदर है, इस कुंती महारानी की स्तुति के माध्यम से हम सभी जीवों को बता रहे थे कि इस कुंती महारानी के माध्यम से कुंती महारानी ने जो भगवान की प्रार्थना भगवान की स्तुति की है वास्तव में भगवान की कृपा को याद कर रही है और वास्तव में भगवान की हम सब जीवों के ऊपर सभी जीवों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन केवल कहने के लिए है। जिस दिन इस बात का अनुभव हो जाए कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता तो फिर व्यक्ति उस भगवान का हो जाएगा। यहां पर कुंती महारानी कह रही है कि एक बार नहीं, जब जब हमारे जीवन में संकट आया तब तब आपने हमारी रक्षा की और मैंने अपने इन नेत्रों से देखा है इस बात को। कोई कह सकता है प्रभु जी कि ये तो उस समय की बात थी जब कुंती महारानी थी, ये इस युग की बात नहीं है, हम जिस युग में कलयुग में रह रहे हैं ये कलयुग की बात नहीं है, तो चलिए इसी कलयुग में देखते हैं आज से 500 साल 400 500 साल पहले की बात, जब नरसिंह मेहता भक्त आए, भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे और नरसिंह मेहता के जीवन में एक बार दो बार दस बार बीस बार नहीं 52 राउंड्स 52 बार भगवान आए नरसिंह मेहता के घर पे और नरसिंह मेहता को 52 बार उनकी रक्षा किए, उनकी सहायता किए। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं हैं? भगवान से भी कोई हमारा नज़दीकी है क्या? भगवान से हमारा निकटतम संबंधी प्रिय माता पिता कोई हो ही नहीं सकता। केवल कृष्ण ही ऐसे हैं जो एक पल भी एक सेकंड भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। गीता में भगवान कहा ना, नमे भक्त प्रणश्यन्ति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, लेकिन हमारी तरफ से कमी है कि हमें इस बात का विश्वास नहीं होता कि अवश्य रक्षिवो कृष्ण। कृष्ण, हम कृष्ण का भजन करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं तो कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, इस बात का हमें विश्वास ही नहीं होता। केवल कहने के लिए कवि ने बहुत सुंदर बात कही कि जब दांत न थे तो दूध दियो, जब दांत नहीं थे, जब माँ के गर्भ से बच्चा जन्म आता है तो माँ के हृदय में दूध की व्यवस्था कौन करता है? कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक, या फिर माँ के गर्भ होने से पहले दूध नहीं होता? लेकिन जैसे पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है तो हृदय में दूध कौन बनाता है? कोई वैज्ञानिक? इतना तो यहाँ पर आए हुए लोगों को इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए कि ये किसकी व्यवस्था है कि जब हम माँ के गर्भ से बाहर आए उससे पहले भी नहीं उसके बाद भी नहीं तो उस समय माँ के हृदय में दूध की व्यवस्था कौन करता है? भाई जब दांत न थे तो दूध दियो और जब दांत दियो तो अन्न भी देंगे। अरे जब उस समय भगवान ने दूध की व्यवस्था की तो क्या जब दांत दिए तो भोजन की व्यवस्था नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, लेकिन ये हमें विश्वास ही नहीं होता है। भजन तो हम करते हैं, भक्ति तो करते हैं, नाम जप भी करते हैं, लेकिन यह दृढ़ विश्वास नहीं होता है। हम उस कृष्ण की भक्ति करते हैं जिसकी सेवा हजारों हजारों लक्ष्मियां करती हैं, ऐसे करोड़पति बाप के हम पुत्र हैं, लेकिन फिर भी भिखारी की तरह भिखमंगे की तरह संसार के लोगों के पास दर दर ठोकरे खाते रहते हैं और सुनते हैं कि हम उस परम पिता के पुत्र हैं
जिस पिता की सेवा हजारों लक्ष्मियां करती हैं। अब ऐसे बाप का बेटा भिखमंगे की तरह संसार में इधर उधर भटके क्या है ये? तो वास्तव में कुंती महारानी, प्रभु जी बताए ना कि कुंती महारानी ने भगवान के कृपा को याद कर रही है, और व्यक्ति जब भगवान की भक्ति करता है तो अवश्य कृष्ण रक्षा करते हैं, इसमें कभी कोई डाउट नहीं है, कभी कोई संदेश है ही नहीं। तो बहुत ही सुंदर कथा, अब एक एक श्लोक तो एक एक दिन चलने लायक था, लेकिन समय का अभाव है इसलिए यहाँ पर कुंती स्तुति को विराम किया गया। आइए हम प्रभु जी का हृदय से महामंत्र से आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। वास्तव में प्रभु जी का आना इस धर्मपुरा ग्राम के लिए बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि जब प्रथम बार प्रभु जी का आगमन हुआ तो यहाँ पे नामहट सेंटर खुला, सेकेंड बार आगमन हुआ तो 15-16 अभी भी एक डिंपल कुमारी आ जाओ जप माला लेना है, तो अभी भी जप माला लेने और देने का सिलसिला चल ही रहा है। हम महामंत्र से आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। साथ ही साथ आज हमारे बीच कपसिया ग्राम से 3-4 भक्त आए हुए हैं, तो उनके गले में भी कंठी नहीं है, और उन्होंने स्वयं, मैंने कोई प्रेरित नहीं किया, आपको लगे कि मेरे ससुराल से आए हैं इसलिए मैंने प्रेरित किया, मैंने प्रेरित बिल्कुल नहीं किया, उन्होंने स्वयं कंठी खरीदा और बोला कि प्रभु जी के हाथों से। कहाँ गए प्रभु जी? हरे, हाँ प्रभु जी, एक मिनट, प्रभु जी के हाथों से आप हमें पहनाइए, तो आ जाइए दोनों प्रभु जी लोग उधर पीछे से स्टेज पे आ जाइए, और प्रभु जी से मैं निवेदन करूँगा कि 2 कंठी है, एक तुलसी और एक चंदन है, पूछ लीजिएगा। तो बहुत ही सुंदर भाव है, क्योंकि गले में कंठी का भी एक अलग महत्व है। जैसे कुत्ता देखते हैं ना, लवारिस कुत्ता होता है, उसके गले में बेल्ट नहीं होता है तो कोई भी 2-4 डंडे धरा देता है, लेकिन जिस कुत्ते के गले में अगर बेल्ट हो तो फिर क्या किसी के मजाल की कोई एक बेल्ट भी धरा दे। इसका मतलब कि जिसके गले में बेल्ट है उसका कोई स्वामी है, फ्री नहीं है, उसका कोई मालिक है। तो वास्तव में जो भक्त है, प्रत्येक भक्त को चाहिए कि तुलसी की, अगर लहसुन प्याज न खाता हो तो तुलसी की कंठी पहने, अथवा बंद तुलसी भी उपलब्ध है उसको लेकर पहनना चाहिए, क्योंकि लोग देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इसका स्वामी कृष्ण है, ये कृष्ण का भक्त है। तो हाँ, अभी लगवाएंगे ना, कल लगवाएंगे कल लगवाएंगे भाई, सब लोग है अभी तो शेष कार्यक्रम, कल बहुत कुछ बाकी है, तो कल का दिन भी बहुत ही विशेष है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे। सोचिए कि इतनी दूर से चलकर लोग आए हैं यहाँ पे कथा सुनने के लिए, प्रसाद खाने के लिए, और प्रभु जी का दर्शन करने के लिए, ये सब लाभ है। और वास्तव में प्रभु जी की कृपा से इस धर्मपुरा गांव में भक्ति का बीजारोपण हो चुका है, केवल इसको पोषित करना है, इसका पालन करना है, यह कार्य भी गुरु वैष्णव की कृपा से चलता रहेगा। हरे कृष्णा। तो अभी एक छोटा सा, कितने टाइम का है प्रभु जी लीला? 15-20 मिनट का लीला है, और लीला के पश्चात सेवा भी है, तो सेवा करने वाले अगर जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा, समय से हो जाएगा, नहीं अगर लीला देखने की इच्छा है तो लीला देख भी सकते हैं, मेरा कोई दबाव नहीं है। आज कल तो 2 दिन जगना ही है, रात हो या दिन हो उसमें क्या फर्क पड़ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको हटाइए प्रभु जी।
कल भी जो लोग जिनके मन में भगवान प्रेरित करेंगे, जिनको लगेगा कि हमें भी भगवान के नाम का जप करना चाहिए, तो अपना नाम और फोन नंबर। अभी मैं एक चीज़ बताना भूल गया, आज दिन में जो माता जी लोग जप माला ली हैं वे अपना नंबर लिखा देंगी। बहुत सी माता जी लोग का नंबर इस पे नहीं है। कहाँ है मैडम? माता जी गई? मैडम जी को बता देंगे, वो लोग नंबर बता देंगे अपना। जो भी जप माला लिए हैं अपना फोन नंबर जरूर लिखा दीजिएगा यहाँ मेरे पास। ये बहुत ही जरूरी है, केवल जप लेना ही जरूरी नहीं है, जप माला के साथ साथ आपके घर का या आपका जिसका भी हो कांटेक्ट नंबर यहाँ जरूर होना चाहिए। तो आप कल या आज या जब भी समय मिले तो आप अपना फोन नंबर जरूर लिखाइएगा। ओकर चिंता हम थोड़े बहुत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जाओ सेवा में, क्या लीला देखने के लिए बैठी है, जाना चाहिए। पर्दा टांगिए आप लोग, पर्दा पकड़िए भाई, चप्पल खोल देना, चप्पल का जो कल शाम में भी हम लोग लीला की व्यवस्था होगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है लीला होगा, डांसिंग कीर्तन होगा, थोड़ा सा लेक्चर्स भी होगा, तो कई कार्यक्रम रहेंगे। कल का दिन कुछ स्पेशल ही रहेगा, इसलिए सभी भक्तों के लिए आना अनिवार्य होगा। और इसके साथ ही साथ एक सूचना और है कि कल जो सुबह का क्लास है प्रभु जी के द्वारा, वो स्पेशल गृहस्थ भक्तों के लिए है। अब प्रभु जी की इच्छा है कि कल का क्लास बहुत ही सुंदर है सुबह का, तो कल सुबह 7 बजे घड़ी के समय से आप लोग जरूर यहाँ पर आइए। मंगला आरती में नहीं भी आइएगा तो चलेगा, लेकिन 7 बजे तक जरूर आइए, क्योंकि कल कुछ स्पेशल भागवत से या अन्य ग्रंथों से प्रभु जी ने टॉपिक बनाया है, जो कि स्पेशल हम गृहस्थों के लिए है। तो कल के दिन आप जरूर सुबह में 7 बजे आइए। हरे कृष्णा, भगवत गीता से ही है। तो और जो लोग एंड्रॉयड मोबाइल रखे हैं, कथा प्रेमी हैं, कथा सुनना चाहते हैं, तो प्रभु जी का टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप प्रभु जी से संपर्क करके या प्रभु जी के साथ जो भक्त आए हैं उनके साथ मिलकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। उस पे प्रभु जी का लेक्चर्स वीडियो ऑडियो आते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।
और एक सूचना और है कि जो लोग इस बार नए नए लोग माला लिए हैं तो ऐसा एक कार्ड मिल रहा है वहाँ पे, हमको उम्मीद है कि अब प्राइस तो हम नहीं जानते हैं, प्राइस पता कर लीजिएगा आप। इस पे ऊपर में लिखा हुआ है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, और नीचे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो ये कार्ड ले सकते हैं आप, इस पे दोनों जो प्रथम बार बोलते हैं मंत्र वो भी, और जो बार बार बोलते हैं वो मंत्र भी लिखा हुआ है। तो इस कार्ड को स्टॉल से आप ले सकते हैं, जो प्रथम बार लिए हैं जिनको ये मंत्र याद नहीं है तो आप वहाँ पे पूछ के ले सकते हैं। और जो लोग भी जप माला लिए हैं कल सुबह का क्लास उनके लिए अनिवार्य होगा। जितने लोग जप माला आज लिए हैं 16 लोग, 16 लोग के लिए कल हम काउंट करेंगे को लोग आए हैं कि नहीं आए हैं नाम से। और इतना ही नहीं, उनके लिए यहाँ नामहट सेंटर में आना भी अनिवार्य होगा। हरे कृष्णा। हो गया प्रोजी रेडी? ये कहानी एक महामूर्ख की है, ये कहानी सदियों पुरानी। एक राजा था और उसका एक बड़ा साम्राज्य, कई सुंदर रानियां, बहुत सारा धन और हजारों की संख्या में उसके नौकर चाकर और एक विशाल सेना थी। उसका जीवन सुखमय बीत रहा था, इसलिए राजा अपने धन पद ख्याति और सम्मान के मद में इतना खो गया था कि वह भगवान का अस्तित्व ही भूल गया। यह भूल गया कि भगवान के प्रति भी उसकी उसका कोई कर्तव्य है। लेकिन एक दिन उसके दरबार में एक साधु आया। आगे। हरे कृष्णा चला, इस राजा को तो देखिए, ऐशो आराम में इतना खोया हुआ है जैसे कि इसे किसी चीज की सुध ही नहीं। पूरे लगता है इसकी सारी चीजें हमेशा रहने वाली हैं और इसकी जवानी भी हमेशा रहेगी। मैंने इसे बहुत समझाया, ईश्वर भक्ति की बातें समझाई, किंतु यह मूर्ख कुछ भी रुचि नहीं लेता। एक वास्तविक साधु का कर्तव्य क्या है? एक साधु किसी के घर लेने नहीं बहुत कुछ देने जाता है। लोगों को सही मार्ग दिखाना यह उसका वास्तविक कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य है कि इस राजा को सही मार्ग दिखाऊं और उसे नर्क में जाने से बचाऊं। अरे साधु, आप यहां क्यों खड़े? आइए विराजे हमारे सिंहासन पे और लाइए, हम आपके चरणों को धो देते। हे राजन, तुम मेरे चरण स्पर्श करते हो, चरण धोते हो, मुझे प्रणाम करते हो, बहुत सारा दान भी देते हो, लेकिन मैं जब भी तुमसे भगवत भक्ति की बातें करता हूँ तुम उसमें तनिक भी रुचि नहीं लेते। अरे महात्मा, समय का अभाव है। एक तरफ हमारी ये प्रजा और दूसरी तरफ हमारी रानियां, हमारे पुत्र, हमारे पास फुर्सत कहाँ है कि हम आपसे प्रवचन सुने और भगवान को याद करें। ओ राजन, हमारे भगवान और हमारी सभा, हमारा साम्राज्य इतना बड़ा है कि भगवान को याद करने की जरूरत क्या है? ओ राजन, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? फिर भी ठीक है, मेरा आपसे एक निवेदन है, क्या आप उसे पूरा करोगे? अवश्य करेंगे साधु, हम तो जरूर करेंगे। बताइए आपको क्या चाहिए, धन दौलत स्त्री या हमारे साम्राज्य का कोई हिस्सा, क्या चाहिए आपको बताइए। हे राजन,
इसकी आवश्यकता तुम्हें है, मुझे इन सब्जियों से कोई आसक्ति नहीं, लेकिन हाँ मेरा एक निवेदन है। बताइए। तुम अपने राज्य में इन आदमियों को भेजो और उन्हें ढूंढने कहो कि इस राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, और अगर वो मिल जाए तो उसे यह डंडा दे देना और कहना कि इस प्रदेश में घूमे, और हाँ उसे वेतन देना ना भूलिएगा। छड़ी तो ठीक है साधु, किंतु ये महामूर्ख वाली बात हमारे समझ में नहीं आई, लेकिन वाकई में मजेदार है ये बात। हम जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगे, और वैसे भी हमारे साम्राज्य में मूर्खों की कमी नहीं है, और वो भी सबसे बड़ा महामूर्ख अवश्य आपकी इच्छा पूरी करेंगे। मंत्री साम्राज्य में जो सबसे बड़ा मूर्ख यानी महामूर्ख हो उसे पकड़ कर लाइए। जाइए। जो आगे महाराज। सब जाते हैं, उसके बाद महामूर्ख को ढूंढकर राजा के महल में लाया जाता है। महाराज आपकी आज्ञा अनुसार राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख आपके सामने हाजिर है। तो ये है वो महामूर्ख। अच्छा है, तुम्हें पता कैसे लगा कि यही वो महामूर्ख है? महाराज आपके आज्ञा अनुसार हमने कई दिनों तक प्रयास किया, फिर हमने एक दिन पाया कि एक व्यक्ति अपने सारे बहुमूल्य चीज लुटा रहा है। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। हमने जब इससे पूछा तो ये कहता है कि वस्तुएं उसकी नहीं है। आश्चर्य की बात तो ये है कि ये कहता है कि मेरा शरीर नहीं है। क्या कहा तुमने? हाँ? कि ये शरीर नहीं है। तो ये सबसे बड़ा महामूर्ख ही है। और जो अपनी धन और संपत्ति को लोगों में लुटा दे वही तो सबसे बड़ा महामूर्ख है। अरे महामूर्ख, ये लो छड़ी। छड़ी क्या है? इसे अपने पास रखो। पास रखो? रखो। और इस छड़ी को लेकर हमारे राज्य में भ्रमण करो। भ्रमण? घूमते रहो। किधर? पूरे राज्य में। और इसके लिए हम तुम्हें वेतन भी देंगे। वेतन भी? जरूर, मंजूर है तुम्हें? हाँ हाँ, सरकारी नौकरी किसे नहीं मंजूर है। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तुम आज से ही अपना कार्य शुरू कर दो। जाओ। शुरू करूँ? चलो चलो। इस तरह महामूर्ख राज्य भ्रमण करने लगा। कई साल बीत गए और अब राजा बूढ़ा हो चुका था। उसकी अंतिम सांसें चल रही थी। उसके पुत्र, पत्नियां, नौकर और रिश्तेदार सब वहां मौजूद थे। वो सभी को देख रहा था। उसकी आंखें नम थी। अब वह वृद्ध हो चुका था। उसे पता था कि शीघ्र ही वो इस दुनिया से विदा हो जाएगा। उसकी मृत्यु निकट है। देखो, मैं तुम सबसे तो मिल लिया, लेकिन एक व्यक्ति है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ। वो व्यक्ति है महामूर्ख, उसे अंतरियों से बुला दो। महामूर्ख
जिस तरह महामूर्ख को ढूंढकर लाया गया, जो खुशी खुशी पूरे राज्य का भ्रमण कर रहा था। आपने मुझे याद किया। हाँ महामूर्ख, मैं तुम्हें बुलाया। देखो महामूर्ख, अब मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। दूर जा रहे? बहुत दूर। बहुत दूर? तो मुझे सोचा कि तुमसे एक बार मिलता चलूं। महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी साथ ले चलिए ना, मैं आपके साथ रहूंगा। नहीं नहीं बगले नहीं। हाँ? मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। नहीं संभव। क्यों नहीं है? हाँ? नहीं है सब। अच्छा तो आप अपनी रानी को साथ ले जाने वाले हैं? बता चला मुझे, ले चलिए ना। देखो महामूर्ख, सही कहते हैं कि तुम ही महामूर्ख हो। तुम सच में महामूर्ख हो। अरे मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ ये रानियाँ अपने बच्चों अपने रिश्तेदारों को भी साथ किसी को भी नहीं ले जा सकता। ये संभव नहीं है महामूर्ख। अच्छा तो मैं ऐसा करता हूँ, आपके लिए ना एक अच्छा सा रथ और तगड़ा घोड़ा लाता हूँ, आप उसमें जाइए। रानी मंत्री को बोलता महामूर्ख, वहाँ ना हाथी घोड़ा रथ गधा कुछ भी नहीं, गधा भी नहीं जा सकता है। तुम समझने की कोशिश करो महामूर्ख। क्या तुम समझने की कोशिश करो, वहाँ वहाँ कोई कुछ नहीं जा सकता। कुछ नहीं तो जैसा आपने कहा, नहीं घोड़ा हाथी ले जा सकते हैं, नहीं रथ ले जा सकते हैं। तो यार शायद तो आप चल के जाएंगे, बहुत दूर जाएंगे, आप थक जाएंगे। ऐसे करिए कुछ खाने पीने की वजह कुछ पैसे ठन ठन लेते जाइए। अरे महामूर्ख, हरे मंत्री क्या पैसे लेके आके लेके आ, कोई ठन ठन और मेरे खजाने का एक छोटा सा सिक्का तक लेके नहीं जा सकता। कुछ नहीं ले जा सकते तुम्हें तो समझाना बेकार है। कहाँ जाएंगे? मेरी बात को समझो महामूर्ख, समझो। तो जैसा कि आपने कहा कि आप ना पैसा ले जा सकते हैं, ना हाथी घोड़ा ले जा सकते हैं, ना ही अपनी रानियां बच्चे ले जा सकते हैं, कुछ नहीं ले जा सकते हैं। देखो महामूर्ख, इस पहेली को छोड़ो और वो सुनो जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। कहाँ जा रहे? देखो तुमने बहुत सालों तक हमारे साम्राज्य की रक्षा की, उसकी रक्षा की, बहुत ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाया है। हमारी आखिरी इच्छा है कि तुम भी अब सेवानिवृत्त हो जाओ। और लेकिन तुम्हें वेतन मिलेगा। मिलेगा? और अपने जैसा ही कोई बड़ा महामूर्ख देखो और उसे ये छड़ी दो, बड़ा, और उसे भी वेतन दिया जाएगा। यही तो ये हमारी आखिरी इच्छा है। अच्छा मतलब ठीक है, मुझे अभी मुझसे ही बड़ा महामूर्ख ढूंढना पड़ेगा। हाँ अच्छा तो मुझे तो इन सब में आप ही बड़े महामूर्ख लगते हैं। ले लीजिए अपनी छड़ी, अपने पास रखिए। तुम्हारी ये झूठ, तुम मुझे महामूर्ख बता रहे हो? मैं सबसे बड़ा महामूर्ख हूँ? कह सकते हो? अरे जैसा कि आपने कहा कि आप कुछ नहीं ले जा सकते, आपने इतने बड़े बड़े साम्राज्य जीते, इतने धन दौलत
अपनी तिजोरियों में जमा किए, इतनी सारे रानियां इकट्ठा किए, इतने सारे बच्चे पैदा किए हैं, और आप कह रहे हैं कि ना ही किसी को ले जा सकते हैं, ना ही एक फूटी कौड़ी ले जा सकते हैं, ना ही हाथी घोड़े ना कुछ ले जा सकते हैं। तो आप जब कुछ नहीं ले जा सकते हैं तो फिर आप यहाँ से तो एक तिनका भी नहीं ले जा पा रहे हैं। वो तो तुम सही कह रहे हो महामूर्ख। तो क्या आपने इसके बारे में पहले भी सोचा? अब तक आप बस भोग विलासता में मजे कर रहे थे, आपने कभी भगवान के बारे में नहीं सोचा, ना ये सोचा कि आपका क्या होने वाला है, मृत्यु के बाद क्या होगा, आप कहाँ जाने वाले हैं, भगवान कौन है और भगवान ने आपको क्यों बनाया, कभी इसके बारे में सोचा? नहीं, आप तो इतने मस्त थे कि आपको तो समय ही नहीं मिलता भगवान के बारे में सोचने का। और ये जो सारे धन दौलत आप कह रहे हैं कि आपके हैं, आप तो कुछ भी नहीं ले जा पा रहे हैं, फिर ये कैसे आपका हुआ? तुम वहां मूर्ख नहीं हो, तुम अपने मस्ती पे हमें बताओ, आखिर कौन हो तुम? इतनी दिव्य बातें करने वाला महामूर्ख नहीं हो सकता। हाँ, आखिर कौन हो तुम? सही है, मैं महामूर्ख नहीं हूँ, मैं उन्हीं दिव्य साधु का शिष्य हूँ जिन्होंने मुझे आपके पास भेजा। जब उन्होंने देखा आपकी भगवत भक्ति में तनिक भी रुचि नहीं है और आप तो समय ही नहीं कह रहे हैं, तो उन्होंने मुझे ये वेश धारण करके आपके पास भेजा। मैं समझा महामूर्ख, महात्मा से मुझसे धन नहीं चाहते थे, वो तो उनका मेरे प्रति प्रेम था कि उन्होंने तुमको मेरे पास भेजा, तुम्हारा जीवन मेरे लिए अर्पित किया। धन्य हो महामूर्ख तुम, धन्य हो और धन्य है वो महात्मा, किंतु मेरे आखिरी समय में प्रश्न है कि क्या इस अंतिम समय में मैं कुछ कर सकता हूँ? जरूर, जब जागे तभी सवेरा राजन, अब बस अपने मन से सारी चिंताएं दूर कर दो, अपना मन भगवान के चरणों में लगाओ, भगवान से निरंतर प्रार्थना करो, भगवान की भक्ति भगवान को पाना यही जीवन का लक्ष्य है, भगवान के धाम को जाना यही हमारा सुनिश्चित धर्म होना चाहिए, और भगवान को भक्ति को पाना यही हमारा धर्म होना चाहिए। तुम सही कहते हो महामूर्ख, मेरे हृदय में जो घबराहट थी वो अच्छी होने लगी है, और लगता है मेरी आत्मा इसी के लिए कितने समय से प्यासी थी, और अब मुझे मृत्यु से भी बिल्कुल डर नहीं लग रहा है महामूर्ख। जब भक्ति का बीज डाल दिया जाए तो डर कैसा, कहो हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। Thank you.